हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या बोल रहे हो जी? सर नमस्ते, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने हो गया है तो आपको इसको रिन्यू करना पड़ेगा। कौन सा कार्ड जी? सर आपने एटीएम कार्ड सुना है? हाँ जी, वही ना जिससे पैसे निकलते हैं। हाँ सर। क्या हुआ है जी उस कार्ड को? जो कार्ड है ना उसकी जो तारीख है तो वो तारीख उसकी ख़त्म हो गई है। इससे मतलब इसके आगे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आगे। अभी क्या करेंगे सर? सर सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपका एटीएम कार्ड रिन्यू करने के लिए। मैं जैसा बोलूँ वैसा आपको करना है। आपका कार्ड आपको सबसे पहले तो आपका जो एटीएम कार्ड है उसको हाथ में रखे और मैं जैसे आपको बोलूँ वैसे आपको करना है, ठीक है? जी जी। सर आपके कार्ड पे आपको 16 अंक का नंबर दिख रहा है वो मुझे बताएं, ठीक है सर? जी ये लो, 9 3 2 1 2 3 0 5 2 3 0 5 6 6 9 1 0 0 0 3 0003। ओके सर, धन्यवाद सर। अभी कार्ड के पीछे आपको 3 अंक का नंबर आपको दिखाई दे रहा है सर? हाँ जी। एक मिनट सर, मिला 9 3 1। धन्यवाद सर। अभी आपको एक मोबाइल में मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको 6 अंक का नंबर मिलेगा, वह नंबर आपको बताना है। हाँ जी, एक मिनट। हेलो। हाँ जी सर, नंबर है 9 6 6 3 1 4। धन्यवाद सर। अभी कार्ड तो बंद नहीं होगा ना? नहीं सर, अभी आपका कार्ड बंद नहीं होगा। धन्यवाद सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सर जी, हमारे 10,000 रुपये किसी ने निकाल लिए। ऐसे कैसे कोई आपके पैसे निकाल सकता है सर? सर हमको एक मैसेज आया है, ये देखिए। बताओ सर, ये OTP तो आया है, आपने ही पैसे निकाले हैं? नहीं सर, ये OTP बैंक से आया है। मुझे कॉल आया था बैंक से कि मेरा ATM नंबर पूछा और ये OTP आया, तो मैंने वो सब कुछ फिर उनको बताया। सर आपने ऐसे कैसे बता दिया? उन्होंने बोला था आपका कार्ड का तारीख चला गया है और तारीख चला गया है, वो कार्ड एक्सपायर हो गया है और उसको रिन्यू करना पड़ेगा, ये सब कुछ उन्होंने कहा। और सिर्फ 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा ऐसा बोला। सर जी, कौन सा ही बैंक वाले आपका अकाउंट नंबर, ATM नंबर या OTP आपसे नहीं पूछे थे? यदि आपको कोई पूछता है कि आपका ATM नंबर और OTP बताओ तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो कॉल है ये बैंक से नहीं आया, ये कॉल फ्रॉड है, आपको लूट लिया जाएगा। आपने कुछ बताया तो इसलिए आपको ऐसी जानकारी बतानी नहीं है। किसने भी पूछा आपका नंबर तो ये जानकारी बतानी नहीं है। अभी क्या कर सर, बैंक वाले कुछ नहीं करेंगे, आपको सीधा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको कंप्लेन लिखानी पड़ेगी। धन्यवाद सर। सर आइंदा ध्यान रखना, आपके सिर्फ 10,000 गए हैं, लोगों के 1,00,000 रुपये गए हैं तो भी समझ में नहीं आता। टीवी पर आपको इतनी बार बताया जाता है, एडवर्टाइज आती है, तभी आप इसी गलती करते हो। कॉल आपको भी आया तो आपका अकाउंट नंबर, आपका ATM कार्ड नंबर या OTP, यह जानकारी आपको
देनी नहीं है, नंबर को आपको पुलिस के पास जाकर उस नंबर पे कंप्लेंट लिखवानी है।